तो गाइस क्या हो, जब मैं आपसे कहूँ कि आप लोगों को क्लैश स्क्वाड रैंक में SMG वेपन का यूज नहीं करना है, तो गाइस आप में से आधे लोगों की जान तो निकल ही जाएगी और गाइस साथ में मेरी भी निकल जाएगी, क्योंकि गाइस मैं हर CS रैंक मैच में 60-70% SMG वेपन का ही यूज करता हूँ। तो गाइस अब एक बात आती है कि SMG वेपन को लोग ज्यादा यूज क्यों करते हैं। तो गाइस दो रीजन है जिसकी वजह से SMG वेपन को ज्यादा यूज करते हैं। पहला, अगर जब आप लोग किसी भी एनिमी से फाइट करते हो तो गाइस उस टाइम पे अगर आप हल्का सा भी ड्रे कर देते हो, हल्का सा भी, तो ये एनिमी के हेड पे चिपक जाता है और आपसे हेडशॉट बहुत जल्दी लग जाता है। और दूसरा रीजन, फास्ट रिलोड स्पीड। तो जब आप लोग SMG वेपन को रिलोड करोगे तो ये बहुत फास्ट रिलोड होगा, और इन्हीं कुछ रीजन के चलते SMG वेपन को ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन गाइस केवल SMG वेपन यूज करने से नहीं होता है, उसमें हमको कुछ ऐसे कैरेक्टर को ऐड करना पड़ता है जो गाइस SMG गन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो मैं आपको ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा कि अगर आप लोग इसको SMG वेपन के साथ यूज करोगे तो आपका SMG वेपन नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस SMG वेपन का यूज बेसिकली हम लोग मिड रेंज में करते हैं, तो हमको कुछ ऐसा कैरेक्टर को लेना है जो गाइस हमको HP देता हो। तो गाइस अब आप में से बहुत सारे प्लेयर का क्वेश्चन होगा कि हम लोग एक्टिव कैरेक्टर में उकोंग का यूज क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं भाई, लेकिन उकोंग कैरेक्टर का सबसे ज्यादा यूज हम लोग शॉर्ट रेंज की फाइट में करते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं मिड रेंज की फाइट की, तो हमको ऐसा कैरेक्टर को लेना है जो हमारे SMG वेपन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा और साथ में हमको HP भी प्रोवाइड कराएगा। तो गाइस हमको एक्टिव कैरेक्टर में आलोक या फिर गाइस के कैरेक्टर को रखना है, क्यों गाइस दोनों कैरेक्टर हमको HP देता है, लेकिन गाइस दोनों कैरेक्टर को HP देने का तरीका डिफरेंट है। वर्क तो दोनों का सेम है HP देना, बट दोनों का तरीका डिफरेंट है। तो अगर आप लोग आलोक कैरेक्टर को ऑन करोगे तो ये आपको एक बार में 30 HP ही देगा, बट अगर आप लोग के कैरेक्टर को ऑन करोगे तो गाइस ये आपको अनलिमिटेड HP देगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपके पास EP होना चाहिए, तभी ये आपको HP में कन्वर्ट करके देगा। आपको इन दोनों कैरेक्टर में जो भी कैरेक्टर पसंद होगा आपको उसको एक्टिव कैरेक्टर में रखना है। तो अब बात करते हैं 3 पैसिव कैरेक्टर के बारे में जो हमको पैसिव स्लॉट में ऐड करना है। फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर का नाम है निकिता कैरेक्टर। तो गाइस निकिता कैरेक्टर की एबिलिटी केवल SMG गन में ही काम करती है। अगर आप लोग दूसरा गन लेकर के आते हो तो उसमें निकिता कैरेक्टर की एबिलिटी काम नहीं करेगी। तो निकिता की एबिलिटी है कि ये SMG गन को 20% फास्ट रिलोड करती है। तो भी आप लोग स्क्रीन पर देखो कि ये कैसे रिलोड करती है। तो गाइस यहाँ पे देखो, अभी तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर रिलोड कर देती है। और यही फायदा है कि जब आप लोग एनिमी से फाइट करोगे तो गाइस ये 20% फास्ट रिलोड कर देगी आपके गन को, और आप लोग जल्दी से एनिमी को मार पाओगे। तो ये निकिता की फर्स्ट एबिलिटी है। और इसकी दूसरी एबिलिटी कि जब आपके SMG गन में लास्ट 15 गोली बचेगा तो गाइस इसका डैमेज बढ़ जाएगा। तो गाइस अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा गन अभी यहाँ पे रिलोड है और इसमें पूरा फुल गोली है। और अभी मैं जैसे ही एनिमी के ऊपर फायर करता हूँ तो गाइस आप लोग इसका डैमेज देखो अभी कितना का डैमेज आ रहा है। और जैसे इसमें लास्ट 15 बुलेट बचेगा तो गाइस इसका डैमेज देखना कि उसमें कितना आ रहा है। देखो गाइस ये 7 का डिफरेंस आ रहा है। अब गाइस हम इसके हेड पे ट्राई करेंगे। तो गाइस अभी आप लोग हेड पे भी देख सकते हो गाइस यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो कि निकिता क्रिएटर आपको किस तरह से हेल्प करेगा। एक तो आपके गन को फास्ट रिलोड कर देगा, और दूसरा जब 15 बुलेट बचेगा तो इसका डैमेज बढ़ जाएगा। तो बात करते हैं सेकंड पैसिव कैरेक्टर के बारे में। तो सेकंड पैसिव में आपको रखना है DB कैरेक्टर को। तो गाइस DB कैरेक्टर की एबिलिटी बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो DB की एबिलिटी कि जब आप लोग मूवमेंट करते टाइम एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो आपका मूवमेंट स्पीड 30% बढ़ जाएगा, और इसके साथ ही आपका गन का एक्यूरेसी 60% तक बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोग एनिमी के साथ फाइट करते टाइम अगर हल्का सा भी हिल जाते हो तो गाइस आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आपका गोली एनिमी पे ही लगेगा। अगर आप हल्का सा भी ड्रैग कर दोगे तो गाइस आपका गोली डायरेक्ट एनिमी के हेड पे ही लगेगा। तो अगर आप लोग SMG गन को यूज कर रहे हो तो गाइस आपको वहाँ पे DB को यूज करना ही है, तभी गाइस आपका SMG और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो बात करते हैं थर्ड पैसिव कैरेक्टर के बारे में। तो आपको थर्ड पैसिव कैरेक्टर में रखना है जोटा कैरेक्टर को। तो जोटा की भी एबिलिटी SMG वेपन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो जोटा की भी एबिलिटी मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। तो जोटा की एबिलिटी की आप लोग एक बुलेट फायर करोगे तो आपको 1 HP मिलेगा, और आप लोग जितना ज्यादा बुलेट फायर करोगे आपको उतना ज्यादा HP मिलेगा। तो अब आप लोग ये मत करना कि हवा में ही फायर करना, क्योंकि हवा में आपको 1 भी HP नहीं मिलने वाली है। और फिर आप लोग कमेंट करोगे कि भाई जोटा की एबिलिटी तो आपने गलत बताया। तो इसलिए नहीं, आपको हमेशा एनिमी के बॉडी पर ही फायर करना है, आपको एनिमी पे फायर करना है। आपको जितने भी गोली एनिमी के बॉडी पे लगेगा उतना आपको HP मिलेगा। और अगर फाइट करते टाइम एनिमी आपसे डाउन हो जाएगा तो गाइस आपको 40 HP मिल जाएगा इंस्टेंटली 1 सेकंड में। तो गाइस जोटा की जो एबिलिटी है ना, वो तबाही ला देगी गेम में। तो अगर आप लोग ये सारे कैरेक्टर को यूज करोगे SMG वेपन के साथ तो गाइस आपका जो गेम प्ले गाइस वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो गाइस वीडियो को लाइक करना, और आपका दिल करेगा तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।